राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम के द्वारा नगर के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पर टीकाकरण की मॉनिटरिंग और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रेफर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की टीम के द्वारा जन्मजात बच्चे टेढ़े मेढ़े कटे फटे होंठ और दिल में छेद जैसे बच्चों को चिन्हित किया गया। वहीं 21 टीके लगाने के साथ ही 4 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण भी किया गया। टीम के डॉक्टर सैयद मरियम और डॉक्टर नीलेश लछोटा जी ने जांच की। इसपे क्या है? ये VHND के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ आए हैं। इसमें ये देखना है हम लोगों को कि VHND जो सिस्टर NM यहाँ करती है वो सुचारू रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इतने बच्चे ड्यू हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है, इतने सफिशिएंट बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कोई बच्चा जनजात विकृति का RBSK के अंतर्गत कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कोई जनजात विकृति है या कहीं और रिफ़र करने की ज़रूरत है। उन सभी बच्चों को स्क्रीन किया गया है और एक बच्चा जो दिल में छेद वाला हमको मिला है उसको इंदौर के लिए रिफ़र कर रहे हैं। जी, ये हर महीने जैसे सभी दूर शिविर होता है? जी, सभी आंगनबाड़ियों पे जी और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे हम लोग विजिट करते हैं और हफ्ते में 2 बार अभी VHND चल रहा है, मंगलवार शुक्रवार को जी हम लोग वहाँ पर विजिट करके वहाँ के बच्चों को स्क्रीन कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम और पद बता दीजिए। डॉक्टर नीलेश लछोटा, RBS के आयुष मेडिकल ऑफिसर।